तो बच्चों यहाँ पर है अनदर क्वेश्चन, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का है, और वही एप्लीकेशन परपेंडिकुलर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। और यहाँ पे इस तरह से फिगर दे रखा, फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए है और बी है, यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो है आर, यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, कहीं पर भी ये वैल्यू अलग नहीं हो रही है, हर ब्रांच में वही इक्वलेंट रेजिस्टेंस है आर। और अब आपको ये पता लगाना है कि इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो। आर यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री का मतलब क्या है? बिल्कुल वही सिंपल सी बात है कि मैंने एक लाइन बनानी, और जब मैं लाइन बनाऊंगा तो यहाँ पर स्केल रखूंगा, और जैसे ही मैं स्केल रखूंगा यहाँ पर, तो मैंने एक यहाँ पे हल्की सी लाइन बनाई है, और ये हल्की सी लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये बन गई, ये हो गई परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो जॉइंट मिलेगा इस जगह पे, आप उसे जब चाहे जोड़ सकते हैं और जब चाहे तोड़ सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, आप तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद आपको सर्किट कैसा नजर आएगा, तो वो आप कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये नजर आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस जगह पे ऐसे नजर। तो अब अगर आप देखो ध्यान से, पॉज करके देख लीजिएगा, ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री वाला क्वेश्चन है। आगे क्या करना है देखते हैं, कैसे सॉल्व। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, और यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से ये है परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको ऐसे उठा दिया तो फिर वो ऐसे नजर आएगा, राइट, इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम पलटा के ऐसे करते हैं, तो अब आपके पास ये इस तरह का फिगर आ गया ऐसे। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके पास ये था, यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री बनाई ऐसे, जब आप ऐसे करोगे तो अब आप इसको तोड़ सकते हो, तोड़ करके ऐसे बना लिया, अब इसको हिंज मान के खोल दिया, जब आप इसे स्ट्रेच आउट करोगे तो ये मिलेगा, ये। अगर आप ये चीज हटा दीजिए, इन दोनों चीजों को हटा दीजिए, अगर आप इन दोनों चीजों को हटा दीजिए तो ये ए मिला, और इस ए का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकलता है एट आर बाय। इसका मतलब हमारे पास इस फिगर में ये जो पोर्शन देखते हैं उसको 8R/3, इस वाले पोर्शन का भी 8R/3, और ये वाले पोर्शन का 2R, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, रिपीट कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस 8R/3, इस वाले का 1/2R, और ये वाले का भी वही सिमेट्री की वजह से 8R/3। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, करके बताइएगा। फिलहाल इस वाले सर्किट डायग्राम को आप इस तरह से भी बना सकते, ये वाली लाइन आपकी यहां पर ये बनी है, और
ये ऊपर चला जाएगा तो ये आर और आर, आर और आर, फिर ये वाला। तो या तो आप इस तरह से उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लीजिए, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये 1 2 3 4 5, 5 पैरेलल ब्रांचेस का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, वही आंसर आएगा जो आर इक्विवेलेंट है यहाँ से आर। तो आई होप कर चुके होंगे और ये आंसर शेयर चेक कर लीजिएगा, 0.8। तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल करके आपने ये फिगर बनाया, ये दोनों सीरीज में है, ये इसके साथ पैरेलल, ये पूरा ये और ये सीरीज बनाएगा, इसका आंसर 8r/3 आएगा। और फाइनली इस पूरे का आंसर यहाँ पर ये आ रहा है।